हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेखास किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं इंस्टेंट मूंग दाल हलवा। इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ये हमने दूध ली है, ये येलो मूंग दाल ली है हमने, शुगर, चीनी, ये हमने लिया है देसी घी, इलायची पाउडर, किशमिश, पिस्ता, बादाम, काजू। इन सब की मेजरमेंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेट्स स्टार्ट कुकिंग विद रेखा। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो मूंग दाल है हमने वॉश किया है, इसे वॉश करके हमने दो तीन बार अच्छी तरह से वॉश करके इसे स्ट्रेन कर लिया है। ये हमारी मूंग दाल रेडी है। दूसरे हलवे में हमें मूंग दाल को 3 से 4 घंटे भिगो कर रखना पड़ता है, लेकिन हम इंस्टेंट मूंग दाल हलवा बना रहे हैं तो हमने इसे ओनली वॉश करके स्ट्रेन किया है। तो आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। आप चाहे कढ़ाई या पैन कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें डालेंगे हम घी। पहले हम सारा घी नहीं डालेंगे, पहले हम थोड़ा ही डालेंगे, बाकी का घी हम बाद के लिए बचा लेंगे। इसे हम मेल्ट होने देते हैं। गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे मूंग दाल। इसे अब हमें भूनना है, तो हमने गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखा हुआ है। मीडियम हाई के बीच रख सकते हैं आप। अब हमें इसे भूनना है जब तक इसका थोड़ा कलर चेंज नहीं हो जाता है। लाइट गोल्डन ब्राउन कलर चाहिए हमें, बिल्कुल लाइट सा, बहुत ज़्यादा नहीं। तब तक हम इसे रेगुलर इस तरह से चलाते हुए भून लेंगे। हमें रेगुलर इसे इस तरह से चलाते रहना है। ये फ्रेंड्स, जैसे जैसे हमारी दाल भून रही है वैसे वैसे ऑयल हमें ये घी ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। वो इसलिए है क्योंकि जब हमने वॉश किया था दाल को तो वो थोड़ी सी फूल गई थी वॉश करते करते, और अब जो है घी के बीच जाकर ये सूख गई है। तो फिर से ये देखिए छोटी हो गई, तो ये हमें घी ज़्यादा लग रहा है और हमारी दाल ने कलर भी चेंज करना स्टार्ट कर दिया है। ये लाइट से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। तो बस अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब हम इसे निकाल देंगे। दाल को हमें क्योंकि पीसना है तो इससे हम घी अलग कर देंगे। दाल से घी अलग करना है स्ट्रेन करके। मैं अभी बताती हूँ किस तरह से। तो गैस हमने ऑफ कर दी है। हमने एक बाउल लिया है, ऊपर हमने स्ट्रेनर रखा है, तो हमें ये दाल इसमें डाल देनी है ताकि हमारा घी अलग हो जाए दाल से। इस तरह से इस तरह का हलवा बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप नॉनस्टिक पैन इस्तेमाल करें। आप दूसरा कोई सा पैन इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो इंस्टेंट हलवा है ये बहुत ज़्यादा चिपकता नहीं है पैन में। तो अब हम इसका सारा ऑयल जो है वो स्ट्रेन कर लेंगे। 2-3 मिनट के लिए हम इसी तरह रहने देते हैं इसे, ताकि इसका जो घी है, सॉरी घी, वो इस तरह से, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से नीचे निकल जाए। इसी घी को हम बाद में फिर से यूज़ करेंगे हलवा बनाने में। तो 2 मिनट के लिए इसे हम इसी तरह से छोड़ देते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं, 2 मिनट में सारा घी भी निकल चुका है नीचे और ये थोड़ा ठंडा भी हो चुका है हमारा दाल। तो इसे हम अब मिक्सर जार में डाल देंगे। घी को हम साइड कर देंगे और दाल हम इसमें जार में डाल देंगे। इसका हमें दरदरा सा पाउडर बनाना है, बिल्कुल बारीक भी नहीं पीसना है इसे हमें और मोटा भी नहीं रखना है, बिल्कुल हमें थोड़ा सा इसका दरदरा पीसना है दाल को, मतलब हमें इसे रफली ग्राइंड करना है। अब हम इसका बारीक पाउडर बना सॉरी अब हम इसका ग्राइंड करके एक रफली ग्राइंड कर लेते हैं, इसको पीस लेते हैं। मिक्सी में इसे पीस लिया है, ये देखिए हल्का हल्का हाथों से टच करने पे ये दानेदार लग रहा है, बिल्कुल पाउडर नहीं है ये, मतलब बहुत ज़्यादा रफली भी नहीं पीसना है हमें, इस तरह से हाथों में सिर्फ दाना दाना हल्का सा टच हो इस तरह से। तो अब हम ये जो हमारा घी है इसे कढ़ाई में डाल देंगे। फिर से वो घी कढ़ाई में वापस डाल दिया है।
इसमें हम रोस्ट करेंगे अपने ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करने से इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये सब बादाम काजू डाल दिए हैं, इसे हम थोड़ा रोस्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का हल्का रोस्ट करना है। और लास्ट में हम इसमें किशमिश डाल देंगे। पहले इसे रोस्ट करेंगे, किशमिश को हमें इसके साथ ही नहीं डालना है। और ये रोस्ट करते वक्त हमने गैस की फ्लेम लो कर दी है ताकि हमारे ड्राई फ्रूट्स जल ना जाए। अब हमने किशमिश भी डाल दी है इसमें। किशमिश को हमें सिर्फ थोड़ा फूलने देना है। ये देखिए हमारी किशमिश फूल चुकी है। गैस की फ्लेम को 2 मिनट के लिए ऑफ कर देते हैं। ये देखिए किशमिश भी फूल चुकी है। अब हम निकाल देंगे सारे ड्राई फ्रूट्स को। ड्राई फ्रूट्स को निकाल दिया है, गैस हमने फिर से ऑन कर दी है। घी को थोड़ा गर्म करेंगे, इसमें करेंगे हम थोड़ा सा घी और ऐड कर देंगे, जो बाकी बचा घी था ये हमने इसमें और ऐड कर दिया है। इसे गर्म होने देते हैं हम। और ये जो हमने दाल का ग्राइंड किया हुआ पाउडर है ये हम इसमें डाल देंगे। इसमें दाल डाल दी है और अब हम इसे रेगुलर चलाते रहेंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि पहले से दाल अच्छी तरह हमने भून ली है। गैस की फ्लेम को हमने मीडियम पे कर दिया है। गैस की फ्लेम हमारी मीडियम पे है, ज़्यादा नहीं भूनना हमें इसे। हमने इसे आधा या 1 मिनट तक ही भूनेंगे हम। यदि आपकी गैस की फ्लेम लो है तो आप इसे 1 मिनट तक भूनिए। मैंने गैस की फ्लेम को लो मीडियम के बीच रखा हुआ है, मैं इसे 1 मिनट तक ही भूनूंगी। रेगुलर चलाते रहिए इसे, जलना नहीं चाहिए। और अब मैंने गैस की फ्लेम को लो कर दिया है क्योंकि मुझे इसमें दूध डालना है। तो गैस की फ्लेम हमने बिल्कुल लो कर दी है। अब हम इसमें डालेंगे दूध, मिक्स करेंगे अच्छे तरह से। गैस की फ्लेम को फिर से हमने मीडियम पे कर दिया है। इसमें हम थोड़ा और दूध ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें आधा दूध आधा पानी भी ऐड कर सकते हैं। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। रेगुलर चलाते रहिए। रेगुलर हमें इसलिए भी चलाना है इसमें लम्प्स ना बन जाए। ये फ्रेंड्स ये देखिए दूध दाल ने सोख लिया है। इसे रेगुलर चलाते रहिए। और अब हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी आप जितना मीठा पसंद करते हैं उस हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने जितनी दाल ली है मैंने उतनी ही इसमें चीनी डाली है, शुगर डाली है। चीनी को मेल्ट होने देते हैं इसी में, चलाते रहिए इसे। ये देखिए फ्रेंड्स इसे चलाते हुए हमें 1 मिनट हो चुका है। उसी तरह इसमें डाल देंगे हम इलायची पाउडर और इसी वक्त हम इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर देंगे और थोड़े से हम गार्निशिंग के लिए रख लेंगे ड्राई फ्रूट्स।
थोड़ा हम इसमें पिस्ता भी ऐड कर लेंगे, पिस्ता भी हम थोड़ा गार्निशिंग के लिए रखेंगे, थोड़ा हमने इसमें ऐड कर दिया है। आप चाहें अपनी पसंद से ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, और यदि आप इसमें ड्राई फ्रूट्स नहीं पसंद करते हैं हलवे में तो आप मत डालिए। अभी हम इसे चलाते रहना है। फ्रेंड्स, हमने इसे एक मिनट तक फिर से चलाया है ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद। मीडियम फ्लेम पर है गैस हमारी, तो अब हम इसे ढक्कन लगाकर थोड़ी देर के लिए रख देंगे। गैस की फ्लेम को हम लो पे कर देंगे। ये हमने गैस की फ्लेम लो कर दी है, और अब हम इसे ढक्कन लगाकर एक मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे, एक से दो मिनट के लिए। ये फ्रेंड्स, दो मिनट हो चुके हैं इसे हमें पकाते हुए, तो दो मिनट तक हमने ढक्कन लगा रखा था, चेक कर लेते हैं। ये देखिए, हमने दो मिनट तक इसे ढक्कन लगाए रखा, तो उसकी वजह से ये कितना खिला खिला बन गया है, ये देखिए। और इसका कितना अच्छा कलर आया है, मैंने इसमें कोई फूड कलर या फिर केसर कुछ भी नहीं मिलाया है, ये इसका अपना कलर है, ये देखिए। इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं एक बार, और ये हमारा हलवा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे सर्व करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स ऊपर से डालकर। गैस को अब हम बंद कर देंगे, तो सर्व करते हैं। इंस्टेंट मूंग दाल हलवा रेडी हो गया है। इसे हम थोड़ा ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे, थोड़ा हम इसे पिस्ता से गार्निश करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी को बनाकर ट्राई कीजिए। ये फेस्टिवल सीज़न है, तो इसमें आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और यदि आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आती है तो अपनी फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए, और मेरी इस रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।